Hello friends, welcome on Success Keys. Myself Raveena Bishnoi. Today we are discussing chapter 8 of the book Indian Polity by M. Lakshmikant, that is Directive Principles of the State Policy. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51. यहाँ पे ये जो फ्रेम जो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो पार्ट था पार्ट 4 ये लिया गया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 1937 और उसके बाद में जो ये आयरिश वाला था इस इन्होंने लिया था स्पेनिश से. ठीक है, तो हमने इसको कॉपी किया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो यहाँ पे फ्रेमर जिन्होंने फ्रेम किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के ये जो हेड थे चेयरमैन थे तो इन्होंने इसे बोला कि दीज प्रिंसिपल एज अ नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स यही मिला के हमें फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे कौन सी फिलॉसफी रहती है और यही आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की. मतलब आत्मा निकल जाए तो शरीर कुछ नहीं रहता, वैसे ही अगर इनको हटा दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है. ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट दीज आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बस वही आत्मा और जिन है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. अब फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं कि अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप वर्ड से ही देखिए डायरेक्टिव मतलब कि किसी को डायरेक्शन देना. ठीक है, डायरेक्शन देने वाले प्रिंसिपल किस ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब कि जब स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगी उसके बयां पे फिर जब कानून बनाएगी तो सरकार को इनको ध्यान में रखने होंगे. ठीक है, तो ये वर्ड ही इसको जस्टिफाई करता है कि जब यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो इनको इनके अंदर जो डायरेक्टिव जो दिए गए हैं उनको बयां पे रखते हुए उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी कानून पास किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे बहुत सारी पॉलिसीज बनती है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ मिशन, तो ये बहुत सारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी, तो बहुत सारी पॉलिसीज बनती हैं उनके ऊपर जो कानून बनाए जाते हैं वो जो इन आर्टिकल्स के अंदर दिए गए हैं इनको ध्यान में रखते हुए वो कानून बनाए जाते हैं कि इनके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है. मीन्स कि वो जनता के हित में हो, सरकार के हित में हो, मतलब सरकार के हित में जनता के हित के अंदर हो. वेलफेयरिस्टिक मॉडल हम बनाएंगे सभी के वेलफेयर के लिए, ये नहीं कि किसी एक को फ़ायदा पहुंचा रहा हो, सभी लोगों के भले के लिए हो. और एक मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब सर्व संपन्न देश ऐसा बनाना. तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये जो डायरेक्टिव्स हैं इनको ध्यान में रखना होता है. अब फीचर्स क्या हैं कि इसमें वो आइडियाज़ दिए जाते हैं जो स्टेट को अपने दिमाग में रखने होते हैं जब वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और उन पॉलिसीज़ के बेस पे जब कानून बनाए जाते हैं. ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं या रिकमेंडेशन दी गई हैं. किसको रिकमेंडेशन दी गई हैं, ये स्टेट को मतलब सरकार को ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि जब भी वो कोई लेजिस्लेटिव जब भी कानून बनाए या कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करे या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि जिससे वेलफेयर हो सभी का, वेलफेयर ऑफ द ऑल. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 36 जो स्टेट है, जो स्टेट की जो डेफिनेशन आर्टिकल 36 में क्या दिया गया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है, ये बिल्कुल वैसी है जैसे फंडामेंटल राइट के अंदर दी गई थी. देयरफोर इसके अंदर इंक्लूड किया गया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नर आर लोकल. और मतलब स्टेट क्या होता है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन सेंटर और स्टेट के दोनों के. डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो रिसेंबल करते हैं किसके जैसे हैं, डायरेक्टिव्स ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो दिया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके जैसा है. अगर आपको बोलें कि प्रियम्बल किसके जैसा था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि प्रियम्बल भी उससे पहले डिफाइन कर दिया गया था और उसी को ही प्रियम्बल बना दिया गया. तो वो प्रियम्बल किसको किसके जैसा था, मतलब कहाँ से उठाया गया था प्रियम्बल, जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बना दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल. अब इन द वर्ड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे बोला कि ये जो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जैसे ही हैं. जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे
इशू टू द गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को, ठीक है। ये जो पहले जो इंस्ट्रक्शन होती थी वो किसके लिए होती थी, वो होती थी गवर्नर जनरल के लिए, गवर्नर्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दिए गए। हमारे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो किसके लिए दिए जाते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के लिए और सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के लिए। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट करते हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में ये बात करी गई कि ये सारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, इसमें कुछ भी लोगों को सोशल और इकोनॉमिक से पायदान पे ये बिल्कुल खड़े नहीं उतरते हैं। ना तो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और ना ही उनके सोशल फ्रेमवर्क में कोई चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं कि क्या उनके मैरिज कानून बदले जा रहे हैं, क्या वो वैसे ही हैं, या वो सोसाइटी कुछ उनका अपग्रेडेशन होगा, उसकी कोई बात नहीं कही गई है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बात की जा रही थी कि इनका एम क्या होता है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, इकोनॉमिक को भी, सोशल को भी, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को भी, और एक नया मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट बनाते हैं। इनका एम क्या होता है कि जो रियलाइज करना कि हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सभी को यहाँ पे जस्टिस हो, सभी को पूर्ण रूप से लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, सभी समान हो, भाईचारे की भावना बहुत बड़े, जो हमारे प्रियम्बल में ये बातें लिखी गई हैं यहाँ पे वो आर्टिकल्स में बताई गई हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट लेके आते हैं वेलफेयर स्टेट का, नॉट ऑफ ए पुलिस स्टेट, पुलिस का राज नहीं होगा, एक वेलफेयर स्टेट होगा, सभी के लिए भले के लिए कार्य करेगी पुलिस, ना कि अपना तानाशाही रूल करेगी, जो एग्जिस्ट करता था कॉलोनियल इरा के टाइम पे। पुलिस का राज था, पुलिस यहाँ पे जो कुछ जो मर्जी चाहे कर सकते, उनके पास बहुत सारी पावर थी। अब पावर किसके पास है, कानूनों में, और कानून भी किस पे बनाए जाएंगे, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए लोगों के लिए हितकारी होंगे, और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं। तो ये एस्टेब्लिश करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ठीक है। तो ये हमें डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी लेके आती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिशियबल होते हैं, कि मतलब इनको ये नहीं है कि इनका हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके जो अपनी अपील कर सकते हैं, नहीं, इनके लिए नहीं कर सकते। ये सिर्फ लीगली एनफोर्सेबल होती है कोर्ट के द्वारा अगर ये इनका वायलेशन होती है। दे आर नॉट लीगली, मतलब ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते, बस ये सिर्फ प्रावधान है कि भाई सरकार कानून बनाए तो इनको ध्यान में रखे। अब नहीं बना रही है तो ये नहीं कि हम सरकार के अगेंस्ट में यहाँ पे करें कि ये इसलिए कानून नहीं बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कुछ करे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये गवर्नमेंट को कंपेल्ड नहीं किया जा सकता कि इनको इंप्लीमेंट कराए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 37 है उसमें ये बोला गया कि ये जो प्रिंसिपल है ये फंडामेंटल होते हैं गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री, कि इनको जब हम सरकार चला रहे होते हैं, जो भी जिसकी पार्टी की सरकार बनती है, जब वो सरकार चला रही होती है, तो उनको ये प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखने का ज़रूरत होती है, और उनके ऊपर एक ड्यूटी भी होती है कि इन प्रिंसिपल को ज़्यादा से ज़्यादा लागू करें, क्योंकि इन प्रिंसिपल को अगर आप लागू करोगे तो लोगों के लिए हित के लिए कार्य होगा, लोगों के लिए हित के कार्य होगा, अगली बार वो आपसे खुश होंगे और आपको और वोट देंगे। तो लोग मोस्टली जो भी सत्ता में आते हैं लोग वो इनके ऊपर कानून बनाते हैं, और लोग के लिए वेलफेयर मॉडल यहाँ पर रिक्रिएट करते हैं, बोलते हैं कि हमारा राज्य काफ़ी अच्छा था और नेक्स्ट टाइम भी इन्हें वोट दिया जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो नॉन जस्टिस शेबल होते हैं, तो ये कोर्ट पर हेल्प करते हैं कोर्ट को इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ लॉ। नॉन जस्टिसेबल होते हैं, पर ये इससे हम ये कर सकते हैं कि सरकार द्वारा कोई भी कानून बनाया, जैसे जुडिशियल रिव्यू करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पता करने के लिए, अगर कोर्ट देखती है कि कोई भी कानून यहाँ पे इन द क्वेश्चन सीक्स टू गिव अफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट करने के लिए कोई कानून बनाया गया है, तो ये इट मे कंसीडर सच अ लॉ टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 एंड द सेव द लॉ फ्रॉम द अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि ये बोला गया है कि यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अपर हैंड दिया गया, ओके। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट में लाने के लिए कोई भी कानून पास किया गया है, और वो कानून यहाँ पे 14 और 19 के अंदर जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं, और 19 के अंदर जो 6 फ्रीडम दी गई थी कि इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने जाने की, कहीं सेटल होने की, कोई भी ऑक्यूपेशन करने की स्वतंत्रता, वो भी अगर छीनी जाती है और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करवाती है, तो भी उस लॉ
लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं घोषित कर सकती, उस कानून को मान लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान के देखिए कि अभी जैसे आज ही की बात मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकल 35 और आर्टिकल 370 को यहाँ पे हटाने की बात हो रही है फॉर जम्मू कश्मीर के लिए। तो यहाँ पे कुछ जैसे कि नेताओं को यहाँ पे गया नज़रबंद कर दिया गया है और वहाँ पे सेक्शन 144 लगा दिया गया है, तो लोगों की यहाँ पे कुछ फ्रीडम, जैसे आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम थी वो छीन ली गई है कि वो इधर उधर आना जा नहीं सकते, घरों के अंदर रहना पड़ेगा। पर वो किसके लिए ली गई हैं कि DPSP के अंदर जो वेलफेयर मॉडल है कि सभी जो हैं सरकार की नज़र में बराबर हैं, सभी के वेलफेयर के लिए इक्वालिटी होगी, सभी को सब जगह पे घूमने की आज़ादी होगी, कहीं पे भी ऑक्यूपेशन, कहीं पे भी रहने की, और आपको वहाँ का डोमिसाइल लेने की है। तो क्या हमें क्या हम डोमिसाइल ले सकते हैं जम्मू कश्मीर का? अगर कोई अदर स्टेट का बंदा है क्या वो वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, क्योंकि वहाँ पर जो बताया गया था सिर्फ कि ट्राइबल एरियाज़ को कंजर्व करने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर में भी नहीं कर सकते? क्या कोई हमें वहाँ पर रहने वाले जो भी अगर अदर स्टेट के लोग चले जाते हैं, रहने लग जाते हैं, तो उन्हें जो सरकार के द्वारा दिए गए प्रावधान होते हैं, जो छूट दी जाती हैं, जो राशन कार्ड बनाया जाता है, उन्हें वो कुछ भी नहीं मिलता है? तो क्या वो लोगों के लिए जो मतलब क्या उन लोगों के साथ रीजनेबल है वो? क्या उनके साथ सही हो रहा है, क्या गलत है? तो लोग सरकार एक दो जो बता ना कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की बात, और जो यहाँ पे जो टेररिज्म है वो फैल रहा है उसको कम करने के लिए काफ़ी कोशिश की, और मतलब कि हमारा संप्रभुता बहुत अच्छी बने, ठीक है? तो इसके लिए डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हो, सभी इक्वल हो यहाँ पे, कानून का कानून के प्रावधान कानून के यहाँ पे रोग लोगों का ना हो, ना कि टेररिस्ट आके उनको समझा बुझा दें। तो ये इसके लिए कि ये आर्टिकल्स हटाने के लिए जो भी यहाँ पे कदम उठा रही है, तो यहाँ पे अब ये कानून नहीं बनाया है, ये कोई कानून नहीं बनाया, पर ये जो एक्शंस भी ले रही हैं अगेंस्ट द DPSP, और अब वो इसके बाद में कानून भी बनाएंगे कि इनको हटा दिया जाएगा, अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। तो ये फॉर द इसके लिए अगर ये आर्टिकल 19 का कहीं हनन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो उसको भी जस्ट एंड रीजनेबल माना जाता है और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के हैं? ये हैं सोशलिस्टिक, गांधियन और लिबरल। अब सोशलिस्टिक का मतलब होता है कि इसके अंदर एक आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, ठीक है, मतलब कि समाजवाद। ये कुछ फ्रेमवर्क रहते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट लेके आना है हमें, और इसका एम होता है कि हम सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, और हम किसकी तरफ मूव करेंगे? एक वेलफेयर स्टेट की तरफ। जब सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगी, मतलब कि यहाँ पे लोगों को इकोनॉमी मतलब कि जो होता है कि वेल्थ सभी के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, सोसाइटी भी सभी की एक जैसी होगी, सभी के अंदर कोई ये नहीं होगी नॉर्म्स अलग अलग होंगे, प्रेजुडाइज कर अलग अलग होंगे, कहीं अनटचेबिलिटी होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर सभी बराबर होंगे और अच्छी उनके साथ इनकम भी होगी तो हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? लोगों के हाथ में पैसा होगा, कोई गरीब नहीं होगा, तो क्या होगा? एक वेलफेयर स्टेट हो जाएगा। ये डायरेक्शन देते हैं स्टेट को कि आप वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए कार्य करो, आप यहाँ पे एक ये जो जस्टिस देके आओ, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होने के होनी चाहिए लोगों के साथ, और जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम के अंदर कि कईयों के पास 5 से 10% लोगों के पास पूरा सारा का सारा पैसा ही, और बहुत सारे लोगों के पास 80% पैसा अगर मान लो 5-10% लोगों के पास ही है, तो बाकी तो यहाँ पे गरीब हो गए ना, कि इनकम के अंदर इक्वालिटी हो, स्टेटस सभी का एक जैसा हो, फैसिलिटी सभी को सेम प्रोवाइड हो, यानी कि किसी को किसी होटल में जाने दिया जा रहा और कोई गरीब है तो वो नहीं घुस सकता, अपॉर्चुनिटी सभी के लिए बराबर हो। तो ये एक बोलता है आर्टिकल 38 की सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। जैसे इसके बाद में एक्ट पास किए गए कि इक्वल रेमोनोरेशन, लेबर एक्ट, तो बहुत सारे एक्ट पास कर दिए गए। तो ये इसके बाद में जो बहुत सारे कानून लाए जाते हैं आर्टिकल 38, और ये कानून दिखाते हैं कि ये सोशल वेलफेयर के लिए लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। टू से क्या, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, सभी को यहाँ पे अपनी आजीविका कमाने के लिए पूरा अधिकार होना चाहिए, सभी एडिक्वेट मीन्स होना चाहिए। जो मटीरियल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे भी मटीरियल रिसोर्स हैं जैसे कोयला और कोई भी और भी मटीरियल सोना चांदी, तो यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑफ द कम्युनिटी फॉर अ कॉमन गुड। अब यहाँ पे यह सोना चांदी का तो कौन डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ये मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, कि जैसे कि यहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं, जैसे हमारे फॉरेस्ट एरिया कुछ रिजर्वड एरिया होते हैं, ओके प्रिजर्वड एरिया होते हैं, कंजर्वड एरिया होते हैं, तो यहाँ पे कुछ जहाँ पे कुछ लोग रह सकते हैं उनके रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नहीं कि कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, एक कम्युनिटी फॉरेस्ट भी रखे जाते हैं, कम्युनिटी पार्क्स भी होते हैं, तो वो भी सभी के लिए इक्वल होते हैं। तो एडिक्वेट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज
ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और जो ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे बाकी लोग सारे गरीबी बैठे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स. ये आपने को ध्यान रखना है कि हमें हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए, हमारे वर्कर्स की स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सिबल अब्यूज. कि ऐसे नहीं कि चिल्ड्रंस के लिए ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स हो रहा है, ट्रैफिक इन चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग हो रही है. अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की डेवलपमेंट, तभी देख रहे हैं कि माल नरिशमेंट हो रहा था, तो उसके लिए बहुत सारे कानून पास किए गए कि स्कूलों के अंदर तुम्हें मतलब मध्यान्ह भोजन भोजन दिया जाएगा, तो मतलब लोग बच्चों का जो न्यूट्रिशन है वो बरकरार रहे. तो ये कुछ प्रावधान सरकार लेके आती है, कानून नए बनाती है, ये है आर्टिकल 39 के अंदर. टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फी लीगल एड टू द पुअर, हमें क्या करनी है कि सभी के लिए जो जो कानूनी जो व्यवस्था है, कानून का जो मतलब जस्टिस, लोगों को जो न्याय जो मिलना है, वो जो न्याय वाली प्रक्रिया है वो सभी के लिए फ्री होनी चाहिए, फ्री लीगल एड टू द पुअर. अब ये दिया गया आर्टिकल 39 है, जिसके अंदर लोक अदालत लगाई जाती है, कि लोक अदालत जब लगाई जाती है तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे केसों का निपटारा इकट्ठा किया जाता है, और इसमें फीस भी बहुत नॉमिनल होती है, और ये भी नहीं होता कि तारीख पे तारीख डाल रही, वहीं की वहीं वो निपटारा हो जाता है. यहाँ पे सिक्योर करने की कोशिश करी है ये राइट टू वर्क, सभी को काम करने की स्वतंत्र राइट है, और यहाँ पे एजुकेशन का राइट है कि भाई स्कूल में स्कूली पढ़ाई हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, हम गरीब हैं या नहीं है, सरकारों सरकारी स्कूल के अंदर नॉमिनल फीस में या कोई बहुत कम फीस होती है उसके अंदर आपको फ्री एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है. पब्लिक असिस्टेंस इन अ केसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस को यहाँ पे आपको सरकार यहाँ पे आपकी सहायता करेगी, अगर आप आपको बेरोजगारी भत्ता वगैरह दिया जाता है, ओल्ड एज लोगों को भी हम देखते हैं कि पेंशन दी जाती है, अगर आप बीमार हैं तो. अभी देख लें सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन लेके आए हैं, ठीक है, जिसे नमो मिशन भी या नमो प्रोग्राम भी बोला जाता है, जिसमें कि बहुत 5 लाख तक की यहाँ पे आपको बीमा दिया जाता है. देन दी डिसेबलमेंट, जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रावधान लिए जाते हैं, उनके लिए ट्रैक्स बनाए जाएंगे, बसेज में चढ़ना इजी किया जाएगा, तो बहुत सारे प्रावधान कानून इसके लिए सरकार लेके आ रही है. ये आता आर्टिकल 41 के अंदर. नेक्स्ट आता टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ, कि आपके लिए अच्छा मतलब जो एनवायरनमेंट होगा वो अच्छा होगा, ह्यूमन कंडीशन होगी, जहाँ पे भी आप काम कर रही हैं, कि गंदी बस्तियों में गंदे, जहाँ पे लाइट भी नहीं लगी हो, पानी का पीना भी आपको पानी पीने का भी नहीं दिया जा रहा, काम फैक्ट्री में करवाए जा रहे हैं, पीने को पानी भी नहीं दे रहे हैं, बैठने की कोई जगह भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, कि अच्छा एटमोसफियर होना चाहिए, पानी भी प्रोवाइड होना चाहिए, बैठने की भी जगह होनी चाहिए, और आपको मेटर्निटी रिलीफ भी दिया जाएगा महिलाओं को, जिसको भी बढ़ा भी दिया गया था, 7 कुछ यहाँ पे 7 मंथ्स कर दिया गया था, पहले 8 की बात हुई थी, फिर 7 मंथ्स हुए, तो ये बढ़ा भी दिए गए थे फॉर मैटरनिटी ब्रेक आर्टिकल 42. सिक्योर अ लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, कि लिविंग वेज इतना कि हम यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ जीवर बसर भी कर रहे हैं, सिर्फ खा पी रहे हैं, कुछ अदर हमारे पास भी ऑप्शनल होना चाहिए, कि बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, मतलब इतनी हमें पगार दी जानी चाहिए कि हमारा रोजी बसर हो चुके, हमारा एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसमें हम हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपना न्यूट्रिशियस फूड ना ले पाएँ, आटा दाल चावल, ये जैसे हम सरकार इसीलिए फ्री कर रही है कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बन जाए, और सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए सभी वर्कर्स को. टू टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन अ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट, तभी देखते हैं कि वर्कर यूनियन बनाई जाती है, जो ट्रेड यूनियंस बनती हैं. नेक्स्ट आता है यहाँ पे रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ के लिए मैंने आपको नेशनल हेल्थ मिशन बता दिया, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए. अब देख लीजिए कि सरकार बहुत सारे लेके आती है, जैसे ये मैंने बताया कि आपको जो जो फ्री भोजन दिया जाता है, उसके साथ में हम देखते हैं कि बच्चों के न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाएं, उनको फ्लेवर्ड मिल्क भी दिया जाता है, और हम देखते हैं कि आंगनबाड़ी के अंदर भी न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखा जाता है, बच्चों को वहाँ पे 6 मंथ टू वन ईयर्स तक बच्चों को वहाँ पे पूरा फुल न्यूट्रिशन वाला फूड दिया जाता है, माता को भी और बच्चे को भी. तो ये बहुत सारे मिशन लेके आए गए नेशनल. नेक्स्ट आता है गांधीयन प्रिंसिपल. गांधीयन प्रिंसिपल जो बेस थे गांधी जी की फिलॉसफी पे, उनकी आइडियोलॉजी पे, जो वो सोचते थे वैसे उनके मतलब ड्रीम्स कम ट्रू करने वाली बात है, कि उसके लिए जो प्रिंसिपल्स लाए गए वो कि वो चाहते थे कि ऑर्गेनाइज हो विलेज पंचायत, और उनको काफ़ी सारी पावर दी जाए ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ मूव करें. ये दिया गया है आर्टिकल 40. उसके बाद में हम देखते हैं कि पंचायती राज जो पंचायत यहाँ पे जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और फिर उसके बाद में
अभी हम देख लें कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा हो रही है, पंचायतों को काफ़ी पावर दे गई है उनके पास, यहाँ पे जो है रेवेन्यू की पावर भी अभी आ रही है। ये प्रमोट करने की बात करते थे गांधी जी, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे चरखा चलाते थे, खादी बनाते थे, कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए ऑन एन इंडिविजुअल लेवल पे भी और कॉपरेटिव लेवल पे भी, कॉपरेटिव बेसिस के भी। आर्टिकल 43, वॉलेंट्री फॉर्मेशन और यहाँ पे ऑटोनोमस फंक्शनिंग होनी चाहिए कॉपरेटिव सोसाइटीज़ की, जैसे डिफरेंट अमूल की डेयरी कॉपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, तो उनकी क्या होती हैं कि ऑटोनोमस फंक्शनिंग होनी चाहिए, खुद उसको स्वायत्त उनको अधिकार होना चाहिए। प्रमोट होना चाहिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट एससी और एसटी का, उनके उनकी प्रमोशन करने के लिए, उनका जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है थोड़ा बढ़ाने के लिए, उनकी एजुकेशन स्तर, इकोनॉमिक लेवल, थोड़ा पैसा आए, थोड़ी गरीबी से बाहर निकले, तो उन वीकर सेक्शंस के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बात कही गई थी। नेक्स्ट की जो ये आर्टिकल 46 के अंदर, और ये बोल जो गांधी जी चाहते थे कि आप कोई लिक्विड मत पिए, शराब पीना गलत है, मांस मछली ये भी ये बात करते थे, पर यहाँ पे सिर्फ बात करी गई है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की और ड्रग्स की, जो हमारी हेल्थ के लिए जो नुकसानदेह होती हैं, ये आर्टिकल 47 में, कि उनको उनकी रोक लगी जाए। जैसे कि हम इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे एससी एसटी के लिए तो आपको पता होगा कि सिविल राइट एक्ट, ये डिफरेंट कानून बनाए गए कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955, ये कि उनके एससी एसटी को ध्यान में रखने के लिए। अब ये लिक्वर के लिए भी हम देखते हैं कि इनके ऊपर जैसे सिगरेट होता है उसके ऊपर भी इतनी आपको एडवर्टीजमेंट देनी है, 80% भाग पे वो एडवर्टीजमेंट हो गई, कि लोगों को ये जागरूक होना चाहिए कि अगर आप सिगरेट पियेंगे तो आपको माउथ कैंसर भी हो सकती है। उसके साथ साथ इनके ऊपर जो टैक्स होता है वो बढ़ा दिया जाता है कि ये काफ़ी महंगी हो जाएंगी तो शायद कुछ लोग कम पियेंगे, तो ये इसलिए कानून का प्रावधान लिया जाता है, कुछ डायरेक्शंस दी जाती हैं। टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काओ काव्स एंड मिल्च एनिमल्स डॉट एंड कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ये बात की जाती है कि इनको मतलब कि जो काओ को मारा ना जाए, उसको काटा ना जाए, उसको उसका मांस ना, मांस का यूज ना किया जाए, ना ही मतलब किसी भी मिल्च एनिमल्स को ना यहाँ पे मतलब कि स्लॉटर नहीं होना चाहिए, ताकि उनकी जो ब्रीड्स हैं, जो हमारी जो उनकी नेचुरल ब्रीड्स हैं वो बनी रहें। और ये दिया गया है आर्टिकल 48 के अंदर, ठीक है। जैसे अभी हम बात करते हैं A1 A2 मिल्क की, कि A2 मिल्क ज़्यादा बढ़िया होता है क्योंकि वो हमारी यहाँ पे नेचुरल ब्रीड से लेके बिना तो हमारे लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी भी इसको आद को बाद ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ताकि यहाँ पे जो हमारा ये जो आर्टिकल 48 है वो बरकरार रहे, और कि लोग नहीं उसको काटेंगे तो वो हमारी जो ब्रीड्स हैं वो बनी रहेंगी, इंप्रूव होगी, लोगों का न्यूट्रिशंस भी अच्छा होगा। और अभी स्लॉटर ऑफ काउस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि काउ संरक्षण बहुत ज़्यादा हो गया, कि उनका संरक्षण काफ़ी ज़्यादा लेवल पे किया जा रहा है, कि उनको ना काटा जाए ना उनको बेचा जाए। नेक्स्ट आता है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, इसमें बात की गई है कि सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए पूरी कंट्री के अंदर। अब ये शुरू में लेके आने की कोशिश करी गई थी स्टार्टिंग के नेहरू जी के टाइम के अंदर, बस उसके बाद में बस सिर्फ हम एक हिंदू कोड बिल ही बहुत मुश्किल से पास कर पाए थे। ये जो वो होते ये उसकी बात हो रही है कि जो हमारे सिविल मामले होते हैं, कि शादी को लेके मामले, तलाक को लेके मामले, या बच्चों के आगे संरक्षण किसको जाएगा, उससे जो लेके हमारे सिविल घरेलू जो मामले होते हैं उनके लिए जो घरेलू मामले भी हैं पूरे देश की जनता के लिए एक जैसा होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। ये इसके लिए नहीं होना चाहिए कि धर्म के आधार पर होना चाहिए, हिंदू धर्म में कि ये गुनाह है कि मुस्लिम, अब जैसे इसी के लिए 3 तलाक जो कानून है उसको पास किया गया, वो इसी के लिए कि एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ होना चाहिए सभी के लिए। अब ये यूनिफॉर्म अभी तक सिर्फ एक 3 तलाक के मामले में हम आए हैं कि 3 तलाक, सिर्फ 3 बार तलाक तलाक बोल के आप किसी को तलाक नहीं दे सकते, इसके लिए आपको सज़ा का प्रावधान दिया गया, अभी क्रिमिनल लॉ इसे डिसाइड कर दिया गया। तो ये जो सिर्फ एक मामला यहाँ पे, ये आगे ये नहीं हुआ कि आगे उसके बच्चों का संरक्षण, ये अभी तक भी थोड़ा सा मुस्लिम जो धर्म है उसी के हिसाब से होगा, और भी उनके जो शादी के कानून है, अदर जो कानून है वो उसी के हिसाब से, हाँ थोड़ी थोड़ी हम उसकी तरफ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ मूव किए हैं, जो बहुत बड़ा स्टेप है मुस्लिम महिलाओं के लिए। ये प्रोवाइड टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, 6 साल तक बच्चों को अर्ली चाइल्ड केयर दी जाएगी, ठीक है। जैसे 0 to 6 ईयर उनको मतलब अर्ली चाइल्ड केयर दे, जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को भी यहाँ पे आंगनवाड़ी के अंदर रखा जाता है, उसके बाद में उनकी स्कूली शिक्षा फ्री होती है 0 to 6 ईयर, आर्टिकल 45। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, हमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, एनिमल हस्बेंड्री करनी है हमें, पशुओं का पालन और मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन पे, यानी कि पहले ही उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, अभी अभी मॉडर्न लाइन पे फर्टिलाइजर, अब जैसे देखते हैं कि
कि अभी जैसे दूध के पैकेट्स बंद होते हैं उनका पॉस्चराइजेशन किया था, ये एक मॉडर्न लाइन पे बहुत अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ जो स्टैंडर्ड्स दे के हमने पशुओं को पालना है कि कुछ भी उसको खिला के अच्छा न्यूट्रिशियस फूड निकला, फिर हम वो उनका लेते हैं, क्योंकि अब ये चीज़ें क्या होती है बाहर एक्सपोर्ट होती है, इनकी डिमांड बढ़ती है डेयरी प्रोडक्ट्स की. प्रमोट करना है इम्प्रूव ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. हमें अपना एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना है और फॉरेस्ट को भी सेफ गार्ड करना है. हमें अपनी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे जो 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 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है. हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, प्लेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है. या कोई भी चीज़ है जो आर्टिस्टिक कुछ बनी हुई है, कोई मूर्ति, कोई कलाकृति, कोई पेंटिंग ऐसे, उसको हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है. जो भी चीज़ें हमारे हिस्टोरिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होती हैं वो, और हमारे देश के नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है. ऐसे नहीं कि उसको ख़राब करा है, उसको तोड़ा है, उसको पत्थर मारा है. आर्टिकल 49, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट. जो यहाँ पे जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से अलग होगी, पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट है जो स्टेट, जैसे कि उसके बाद में हमने किया या ये बात की गई है आर्टिकल 50 के अंदर. पहले जो यहाँ पे आईएएस जो आईपीएस या कलेक्टर जो डिप्टी कलेक्टर बैठते थे उनके पास कुछ जुडिशरी पावर भी होती थी, अब उसके उनसे वो जुडिशरी पावर ले ली गई और वो उसके बाद में मजिस्ट्रेट को दे दी गई. तो ये था कि यहाँ पर सेपरेट होना चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पब्लिक सर्विसेज के अंदर स्टेट के अंदर. प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल पीस, हमें प्रमोट करना है, जो ट्रीटी है उनको माननी है. सिक्योरिटी हमारे देश को हमें सिक्योर करना है, मेंटेन करना है. हमें एक जस्ट और ऑनरेबल रिलेशन हमारे नेशंस के बीच में, अलग अलग राष्ट्रों के बीच में हमारा अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, ताकि हर हमें रिस्पेक्ट करनी है इंटरनेशनल लॉज की भी और ट्रीटी की भी. जो ट्रीटी लाई गई है जिसके अंदर हमने ट्रीटी करी है उसके कानून को मानना है, उसके प्रावधानों में रहना है, हमने ऐसे ना कि ट्रीटी मानना है. और एनकरेज करना है कि इंटरनेशनल जो भी हमारे जो सेटलमेंट्स होती है इंटरनेशनल डिस्प्यूट की, वो बातचीत से उसका मामले का जितना हल हो चाहे वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि हमें युद्ध करके. जैसे हम बहुत सारे अभी कश्मीर इशू पर भी पाकिस्तान से बातचीत आर्बिट्रेशन की कोशिश बहुत बार रही है पर वो विफल रही है. तो अभी भी हम यही चाहते हैं कि आर्बिट्रेशन से जितनी बात बेटर हो जाए हो जाए. अगर युद्ध होगा तो दोनों साइड पे नुकसान होता है, जनता का भी, इकोनॉमिक भी, एंड तो ये हम अवॉइड करेंगे. ठीक है, ये है बात आर्टिकल 51 के अंदर. नेक्स्ट आता है कुछ नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए थे. चार नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल भाई, ये आपको याद रखने कि ये डाले गए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 कि हमें हेल्दी डेवलपमेंट करना है चिल्ड्रन का भी, ये बताया गया आर्टिकल 39 के अंदर. इक्वल जस्टिस और सभी को फ्री में यहाँ पे लीगल एड देनी है, हमें कानूनी जो व्यवस्था है वो फ्री में करवानी है, दैट इज़ 39A लोक अदालत. हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेके आने हैं ताकि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स का बना रहे मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में, तो वो 43A के अंदर. हमें इम्प्रूव करना है अपने एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को भी सेफ गार्ड करना है और वाइल्ड लाइफ को भी. उसके बाद में हम देखते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फॉर कंजर्वेशन एक्ट आया गया, उसके बाद में ये हम टाइगर रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व, राइनो रिजर्व ये बनाए गए ताकि वहाँ पे हम उनको वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व कर सकें. 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पे डाल दिया गया. ये 44th में एक डाला था कि जो चाहता है कि स्टेट को मिनिमाइज करनी चाहिए इनइक्वालिटीज, इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी. स्टेट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सभी बराबर हों इनकम के अंदर भी, स्टेटस के अंदर भी. कोशिश करनी है कि मतलब इतना लगाना है कि जैसे अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर वाले लोगों को जो अब नया जो बजट के अंदर प्रावधान था कि जो जो भी किसान है उनको 6,000 रुपये वहाँ पे दिए जाएंगे उनके अकाउंट के अंदर सालाना, तो ये थोड़ा सा स्टेटस बढ़ाने के लिए बात हो गई. नेक्स्ट आता है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसके अंदर बात किया गया था कि सब्जेक्ट मैटर जो था आर्टिकल 45 का उसको चेंज कर दिया गया और एलिमेंट्री एजुकेशन थी उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A. और डायरेक्टिव्स को यहाँ पे अमेंड कर दिया गया, यहाँ पे बात करेगी कि स्टेट को प्रोवाइड करना है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स. कि अब जो सरकार है एलिमेंट्री एजुकेशन तो वो सरकार देगी 21A के अंडर, ये उनका फंडामेंटल रहेगा कि 14 साल तक आपको यहाँ पे फ्री शिक्षा यहाँ पे प्रदान की जाएगी. और मतलब ताकि जो बच्चे हैं उनको कहीं जो फैक्ट्रीज में या ढाबे पे ना बिठाया जाए, उनका पहले ध्यान रखा जाएगी कि उनकी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. 14 साल तक आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, उसके बाद में आप कुछ कर सकते हैं. और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात की गई कि सरकार किसका ध्यान रखेगी, 6 साल तक का, 6 साल तक सरकार ध्यान रखेगी, उसके बाद में तो सेंट्रल के बेस पे जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं और स्टेट के बेस में जो ये 6 साल तक जो आंगनवाड़ीज़ के अंदर बच्चों का नरिशमेंट किया जाएगा वो कुछ कर रहे हैं. ठीक है, द 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में एक नया प्रिंसिपल, ये 86 में एक डाला गया,
97 में भी एक और डाला गया, किसको रिपोर्ट प्रमोट करने की बात कर रही थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको वॉलेंट्री वो अपने फॉर्म हो सकती हैं, उनको ऑटोनोमस स्वायत्त अपना कार्य कर सकती हैं, उनके ऊपर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जो नया DPSP डाला गया था 43B के अंदर, तो ये याद रखने हैं। 42nd ने चार डाले, कौन से, 39A, 43A, 48A, ठीक है, और 48A एंड 39 जिसमें चिल्ड्रन की डेवलपमेंट है, देन यहाँ पे 39A जो इक्वल जस्टिस की बात हो रही है, उसके बाद में बात आई कि 43A की वर्कर्स का मैनेजमेंट है इंडस्ट्रीज के अंदर, 48A जिसमें एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ये आए हैं थे 42nd के बाद, 42nd अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट में आए थे 78 के अंदर सिर्फ एक, कि हमें जो स्टेटस को सरकार को कोशिश करनी होगी कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम की जाएँ, स्टेटस को बढ़ाया जाए और फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए सामान्य हों, आर्टिकल 38। यहाँ पे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर, ये जो एज और टप टू 6 ईयर्स के लिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन की, और 97 अमेंडमेंट एक्ट में बात की गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जिसमें 43B ऐड किया गया था, ठीक है। अब आते हैं सैंक्शंस बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कुछ जो सैंक्शंस हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसके बारे में बात करते हैं। BN Rao एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स ने, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो राइट्स दिए गए हैं इंडिविजुअल को उनको डिवाइड किया दो कैटेगरीज में, एक तो थे जस्टिसेबल थे, एक नॉन जस्टिसेबल। उन्होंने दिया कि लोगों को कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए, कुछ अधिकार ऐसे दिए जाए जिनको आप एनफोर्स करवा सकते हैं और कुछ अधिकार ऐसे होने चाहिए जिनको आप एनफोर्स नहीं करवा सकते। अब ये सैंक्शन जो था क्यों लगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल कि इनको एनफोर्स नहीं करवा सकते, इसके पीछे भी कुछ रीज़न थे, तो फिर इनको इस क्लासिफिकेशन को, BN Rao की क्लासिफिकेशन को ड्राफ्टिंग कमेटी ने, मतलब कि यहाँ पे BR अम्बेडकर जी के जो सारे जो 7 मेंबर्स थे उन्होंने मंजूरी दे दी कि ठीक है ऐसा होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स को जो जस्टिसेबल कर दिया पार्ट 3 में डाल दिया, DPSP को नॉन जस्टिसेबल कर दिया पार्ट 4 के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे नॉन जस्टिसेबल जो बनाया गया आर्टिकल जो 37 के अनुसार से कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP को, इसका मतलब ये था कि ये जो प्रिंसिपल हैं वो फंडामेंटल होंगे गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए, और ये ड्यूटी होगी हर कोई सरकार की कि इन कॉन्स्टिट्यूशन के, इन प्रिंसिपल के बेस पे आप कानून बनाएं। ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन होगी स्टेट के ऊपर, ना कि उसके ऊपर कि मतलब कि मैंडेटरी होगी, ये मॉरल ऑब्लिगेशन होगी कि भाई अगर आप इनको लागू करेंगे तो आप एक वेलफेयर स्टेट की तरफ होंगे, आपका जो मतलब अगर इतना जो 5 साल का कार्यकाल में अगर इनके ऊपर आप कानून ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो आपकी मतलब कि एक जो कहते हैं कि करिश्माई जो स्टेट या आपकी जो आप मतलब जो कहते हैं ना कि रूल आपका दिमाग में लोगों के ऊपर ये होगा कि हाँ ये सरकार हमारे हित के लिए कार्य करे, ये सरकार हमारे लिए अच्छी है, एंड जो रियल फोर्स बिहाइंड इज पॉलिटिकल, दैट इज पब्लिक ओपिनियन, एंड नो मिनिस्ट्री इज अभी एज ऑब्जर्व बाय अलादी कृष्णा सही है बोला कि कोई भी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड द लाइट हर्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजन ऑफ पार्टिकल 4। मतलब ऐसा कोई भी मिनिस्ट्री नहीं चाहेगी कि वो मतलब कि इनको सारा इग्नोर ही कर दे, क्योंकि वो बिल्कुल इग्नोर ही कर देगी इनमें जो बात कही गई है, तो मतलब कि वो कैसे सरकारों के जनता हित के लिए कार्य नहीं कर रही तो लोगों को कहाँ तक अच्छी लगेगी। तो वो इसलिए अगर इसको नॉन जस्टिसेबल भी करते हैं तो भी वो तो लागू हो ही जाएंगे क्योंकि सरकार लोगों के लिए वो कानून बनाएगी। इसी ऐसे ही BR अम्बेडकर जी ने भी यही बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नमेंट जो जो किसके ऊपर किसके यहाँ पे आके खड़ी हुई है गवर्नमेंट, किसके वो यहाँ पे आके खड़ी हुई है, लोगों के वोटों से जो सरकार बनी है वो कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएगी DPSP को कि जो और उन्हीं के बेस पे ही वो अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। अगर गवर्नमेंट इग्नोर करती है तो उसको जवाब देना पड़ेगा, जब अगली बार जब वो इलेक्शन के लिए खड़े होंगे तो वो उनको जवाब देना पड़ेगा कि जब तुमने हमारे पिछले ही वादे पूरे नहीं किए तो अगले वादे तुम कहां से पूरे करोगे, क्योंकि वादे किस पे दिए जाते हैं, इन DPSP पे वो वादे किए जाते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, अच्छा नेशनल हेल्थ मिशन लाएंगे हम आपके लिए, ज़्यादा नौकरियाँ, अगर ज़्यादा नौकरियाँ लेके आएंगे तो वही आर्टिकल यहाँ पे DPSP के अंदर थ्रू की जो भी हमने अमेंडमेंट की बात की थी वही कि हम इक्वालिटी इन जस्टिस होगी और अपॉर्चुनिटी का लाइट होगा, इकोनॉमिक आपको स्टेटस बढ़ाया जाएगा, तो ये DPSP के प्रिंसिपल को ही फॉलो करेंगे, ज़्यादा नौकरियों की बात करेंगे, अगर यही कुछ नहीं करेंगे तो वो आगे जनता को जवाबदेही कैसे होंगे। अ फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने DPSP के अंदर इनको नॉन जस्टिसेबल बनाया और नॉन एनफोर्सेबल बनाया, इसके पीछे रीज़न भी था, उस टाइम पे हम इन्हें एनफोर्स नहीं करवा सकते थे या इनको जस्टिसेबल नहीं बना सकते थे क्योंकि उस टाइम पे हमारा देश इतना ज़्यादा अमीर नहीं था, इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे कि सभी के लिए सरकारी तब स्कूल खोल पाए या फिर सभी को यहाँ पे सरकारी नौकरियाँ दे पाए या फिर उनके लिए कुछ अदर प्रावधान कर सके और उनके पूरे हेल्थ के ध्यान रख रख
सके कि उनको फ्री लीगल एड दी जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे बात हो रही है कि फ्री फ्री लीगल एड नहीं, फ्री हेल्थ केयर, तो ये अब नहीं कर पाए। जैसे बहुत सारे जो 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 काफ़ी डेवलप्ड नेशन होते हैं वहाँ पे इलाज भी लोगों का हॉस्पिटल में फ्री होता है, पर यहाँ पे हमारे नॉमिनल चार्ज होता है वो फ्री जैसा ही होता है, पर वो भी हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा एडवांस अभी नहीं है। तो रिसोर्सेज की कमी होने के कारण हम इनको एनफोर्स नहीं कर पा पाए। एंड प्रेजेंस अ वास्ट डाइवर्सिटी, और यहाँ पे हमारे डाइवर्सिटी भी बहुत वाद है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो डाइवर्सिटी, लोग इतने इतने जाति धर्म समुदाय के लोग हैं और बैकवर्ड भी हैं। अभी भी देखो कि अगर ट्रिपल तलाक पे इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी, अभी भी लोग कह रहे कि ये बहुत गलत है, जो मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर वो बोला कि बहुत गलत किया, इसको मटाना चाहते हैं, ये हमारे धर्म के ऊपर कटाक्ष है। तो ये बैकवर्डनेस इन अ कंट्री, इतनी उस टाइम पर अगर देखें तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तब तो दोबारा दंगे फैल जाते, दोबारा कोई यहाँ पर पार्टीशन हो जाता। तो इस वजह से बैकवर्डनेस इन द कंट्री, हमारा एक नया बॉर्न अभी स्टेट बना था, उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन था, उसके ऊपर से हम इतना कुछ नहीं कर सकते थे कि जो लोगों के हमें उस टाइम पे जो था कि वो जीतना था कि उनका भरोसा, उसको हमने अभी इतने टाइम तक जीता, तो अभी हमने ये किया। तो अब नेक्स्ट, अब रुख हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक मतलब कि दूरगामी सोच ये रखी और यहाँ पे ये नहीं सोचा कि अभी इनको एनफोर्सेबल करवा दिया गया, जब टाइम आएगा तब ये एनफोर्सेबल हो जाएगा, अपने आप इनके ऊपर सभी कानून बना दिए जाएंगे। उन्होंने ये सोचा कि ये आगे दे बिलीव्ड मोर इन अवेकेंड पब्लिक, अगर लोग जागरूक होंगे तो अगर अब वो अगर जैसे कोई भी सरकार हमारे हित के लिए कार्य नहीं करेगी, अगली बार उनको वोट नहीं करेंगे, और अगर वोट उस पार्टी को नहीं भी लगा तो अगली बार वो उनके लिए हित के लिए करेंगे, तो अपने आप ही वो एनफोर्सेबल हो जाएंगे। तो अल्टीमेट सेक्शन था फुलफिलमेंट ऑफ दी, और फिर अल्टीमेटली ही वो यहाँ पे फुलफिलमेंट हो जाएगा, और इसीलिए हमें ये सेंक्शंस लगाने पड़े बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बैकग्राउंड और डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री को देखते हुए। अब क्रिटिसिज्म क्यों होता है डीपीएसपी का, इसीलिए होता है कि इनके पीछे कोई लीगल फोर्स नहीं है, ये नॉन जस्टिशेबल करेक्टर है। केटी शाह ने बोले कि ये पॉइस सुपर फ्लूरिटी, मतलब ऐसे बढ़ा चढ़ा के सारी बातें कि ये कभी होने वाले तो है नहीं, क्योंकि जब इनको एनफोर्सेबल ही नहीं करवा सकते, ये एक वो चेक है बैंक का जो जब भी होगा जब बैंक के पास पैसे आएंगे। ये बेटर देन अ न्यू, ये वैसा ही है जैसे हम नए साल पर अगर बहुत सारे वादे करते अपने साथ कि हम नए साल में ये कुछ करेंगे ये करेंगे, और जैसे ही अगला दिन ही आता है 2 जनवरी, तो वो सारे वादे टूट जाते हैं। तो ये बिल्कुल इसके जैसा ही, इन्होंने बोला कि अब ये लिख तो दिया इतना कुछ किया हो जाएगा ये हो जाएगा, वो होने वाला कुछ है नहीं क्योंकि एनफोर्सेबल नहीं होंगे, कोई भी इस पे कानून नहीं बनाएगा। टीटी कृष्णमाचार्य ने भी बोला कि वेरिटेबल डस्टबिन है ऑफ सेंटिमेंट। ठीक है, केसी वियरे ने भी इसे बोला कि ये मैनिफेस्टो है एम्स एंड एस्पिरेशन का, कि हम अब हमारे ये एम है, हमारे ये कोई एस्पिरेशन है, तो ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो ये आप देख सकते हैं किस किस ने क्या बोला, कई बार ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इलॉजिकली अरेंज्ड, मतलब इनको बहुत ही इलॉजिकली अरेंज किया, कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, कहीं पे कोई रख दिया गया, कहीं पे कोई, कहीं पे फॉरेस्ट्री बात हो रही, उसके नीचे फिर यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री की बात है। तो इनको बहुत अलग अलग इलॉजिकली अरेंज किया गया है, ना कोई इकोनॉमिक ना सोशल क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट रखे हैं। अनइम्पॉर्टेंट द डिक्लेरेशन मिक्सेज ऑफ रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इशूज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ के साथ में रख दिया गया है इन्होंने। तो सर आइवर जेनिंग्स ने बोला कि कोई इनकी कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं, कि कंटिन्यूसली कोई फिलॉसफी चले, कोई कंसिस्टेंट इसमें फिलॉसफी नहीं है। कंजर्वेटिव ही, काफ़ी कंजर्व है। सही, आइवर जेनिंग्स में बोले कि ये बेस्ड है पॉलिटिकल फिलॉसफी पे ऑफ 19th century इंग्लैंड, जो मतलब कि काफ़ी पुरानी रूढ़ीवादी उसी फिलॉसफी के, तो जो 19th century का इंग्लैंड था ना उसके ऊपर ये बेस है। घोस्ट ऑफ सिडनी वेब एंड बेटरेड वेब एंड पेजेस ऑफ द टेक्स्ट, मतलब ये वहाँ से लिए हैं वेब स्टॉक थ्रू द पेजेस ऑफ द टेक्स्ट। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, अब ये किसकी बात हो रही है, अब ये जो यहाँ पे सिडनी वेब एंड बियट्रिक वेब की बात की गई है, तो ये जो थे ये ब्रिटेन के सोशलिस्ट रिफॉर्मर इकोनॉमिस्ट थे, तो ये कि इन्हीं की बातें इन्होंने यहाँ पे लिख दी हैं। पार्ट 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक फैबियन सोशलिज्म को दिखाता है जिसमें कोई सोशलिज्म भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे फैबियन सोशलिज्म, ये ब्रिटेन का सोशलिज्म था जिसमें एकदम से रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाने की बात नहीं की थी, जिन्होंने बोला था कि ग्रेजुअली धीरे धीरे एक हम रिफॉर्म करवा के एक सोशलिज्म बनाएंगे, सोशलिस्ट स्टेट बनाएंगे धीरे धीरे, मतलब कि यहाँ पे ग्रेजुअली वे बाय वे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे इनका ये मानना था कि ये जो डीपीएसपीज हैं ये जो सुटेबल थे इंडिया के अंदर मिड ऑफ 20th century तक, पर क्या ये जो डीपीएसपी हैं ये सुटेबल होंगे 21st century वाले इंडिया के अंदर, तो ये कैन नॉट बी आंसर्ड। तो इन्होंने ये माना कि ये काफ़ी आउटमोडेड है, जैसे कि यहाँ पे बात की गई थी प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर,
ठीक है, तो पहले ठीक है लोग मांसाहारी कम थे, मांस कम खाते, तो क्या वो 21st सेंचुरी के लोग वो बीफ नहीं खाते होंगे? तो प्रोहिबिशन करके कैसे हम सही हो सकता है, ये बेटर हो सकता है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। तो क्योंकि अभी नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा होते हैं तो बीफ भी खाते हैं लोग, तो ये क्या प्रोहिबिट हम पूरी तरह से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये इन्होंने बोला कि दिस इज़ वेरी आउटमोडेड। और जैसे ये बात की गई कि विलेज को देने की, उनको पावर्स देने की, अब लोग यहाँ पे शहरों तक पहुँच रहे हैं, मल्टी मॉडल सिटीज़ बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, तो स्वायत्ता गांवों को देंगे, गांवों में लोग नहीं रहेंगे तो वहाँ गांव को स्वायत्ता देने की क्या बात है? तो ये मतलब इसने बात आ कि 21st सेंचुरी में दिस इज़ वेरी आउटमोडेड डीपीएसपी, दिस इज दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स, इनको लिख मत देना, ये मेरे व्यूज़ थे कि जिसमें मैं ये सोचती हूँ कि ये शायद इसीलिए इन्होंने बोला। नेक्स्ट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट। के संथानम ने बोला कि ये जो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट पैदा कर देगा सेंटर और स्टेट के बीच में, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, और गवर्नर और सीएम के बीच में। उनका मानना था कि सेंटर यहाँ पे डायरेक्शंस देगा स्टेट को कि आप इन इन प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करो, और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो वहाँ की गवर्नमेंट डिसमिस कर देगी, कर दी जाएगी, वहाँ पर प्रेजिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। तो वहाँ पर ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट हो गया। और अगर प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर कोई बिल पास किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को एक बिल मिलेगा जो पास होगा पास्ड बाय पार्लियामेंट, जो वायलेट करता होगा डीपीएसपी, तो प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर देगा ऑन द ग्राउंड कि ये जो है जो ये प्रिंसिपल्स हैं, दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, इसलिए आप अगर ये इनको वायलेट करते हैं तो आप ऐसा कोई कानून ना पास नहीं कर सकते हो। तो ये मिनिस्ट्रीज़ के भी बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट होगा, ऐसे ही गवर्नर और सीएम के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और सेंटर और स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई कानून इन पर पास किया जाएगा जिनमें से इनका हनन होगा तो सर जो प्रेजिडेंट उस पर असेंट नहीं देगा, तो दिस इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम। यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब इतना सब कुछ होते हुए भी ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं क्यों इतने ज़रूरी हैं, क्या इनकी महत्वता है? ये सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, सरकार को चलाने के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। एल एन सिंह ने भी बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये लाइफ गिविंग प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कि इन्हीं से ही इनको जो सांसें मिली हैं या जो जिंदगी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो इसी की वजह से, अगर ये नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ नहीं है। दीज कॉन्स्टिट्यूशन स्टफ ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी जो प्रावधान है, प्रोविजन है, वो इसी को बेस में, इसी फिलोसफी को बेस में ही रख के बनाए गए हैं। ये फिलोसफी जाहिर करता है सोशल जस्टिस की, सभी के लिए सभी समान हैं, इक्वल हैं। एम सी चागला ने इसे बोला, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने बोला कि अगर इन सभी प्रिंसिपल्स को हम फुली कैरिड आउट कर लेते हैं, इन पे कानून बना लेते हैं, तो ये एक ऐसा होगा जैसे कि अर्थ के ऊपर हेवन बनाना। इंडिया वुड नॉट बी डेमोक्रेसी, नॉट ओनली इंडिया सिर्फ एक डेमोक्रेसी नहीं होगी इन द पॉलिटिकल सेंस, बट एक वेलफेयर स्टेट होगा जो सभी जो सिटीजन्स हैं, सभी जो नागरिक हैं, उनके भले के लिए कार्य कर रहा होगा, तो वो एक हेवन ऑन द अर्थ हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर ने बोला कि डीप डायरेक्टिव जो है ये वैल्यू देते हैं, ग्रेट वैल्यू, काफ़ी वैल्यू इनकी, क्योंकि ये इनके अंदर जो गोल है इंडियन पॉलिटी इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यहाँ पे इकोनॉमिक सभी को बराबर, सेम स्ट्रेंथ, सेम इन पावर, इक्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बना रहे हैं, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल, ना कि मत देने का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, उसके साथ साथ ही आपको रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का भी अधिकार है, आपको सेम पायदान पर खड़े होने का भी अधिकार है। नेक्स्ट इज द ग्रेमलिन लेस्टर ने बोला कि ये एक एम्ड एट द फर्दरिंग द गोल ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, टू फोस्टर द रेवोल्यूशन बाय स्टेबलिंग द कंडीशन नेसेसरी फॉर अचीवमेंट, कि यहाँ पे ये एक आगे फर्दर दीरा, मतलब इन प्रिंसिपल पे चलते होगे आगे कम नया, एक नया सोशल, नया समाजवाद, नया एक सोशल रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल इज अ ट्रिपल तलाक। बी एन राव ने बोला कि ये एक मॉरल कंसेप्ट है फॉर द अथॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट, ये मॉरल मतलब ये इनकी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको ये लागू करना है। दे हैव एन एटलीस्ट एन एजुकेटिव वैल्यू, एजुकेटिव वैल्यू की मतलब कि आप कोई कानून बना रहे हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कानून कैसे कौन सा बनाना है कि नहीं, कौन सा जनता हित के लिए, तो आप इनको देख सकते हैं भाई कि आप इनके बेस के ऊपर कोई कानून बनाओ। अकॉर्डिंग टू एम एस शीतलवाड़, जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, इन्होंने बोला कि
ऑल दो इनके लिए कोई लीगल राइट नहीं है, कोई लीगल रेमेडीज नहीं है कि आप कोई कोर्ट से एनफोर्सेबल नहीं है, बट फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह आपको इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं ना सरकार को कि सरकार चलाने के लिए आपको ये चीज़ें करना जरूरी है, तो ये उन्हीं इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरी हैं. ये जो सरकार को ये रिमाइंड कराते हैं, उन्हें बार बार याद दिलाते हैं कि उनके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर के वो क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर, किसके बयां पर, कौन सी नींव के ऊपर खड़ा हुआ है, ये इन्हीं प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट की नीम पे खड़ा हुआ है. ये एक बैकन लाइट है कोर्ट के लिए, मतलब कि वो जैसे बैकन होते हैं ना कार के आगे बैकन लाइट होती है जो दिशा देती है, ये एक बैकन लाइट होती है कोर्ट्स के लिए, और ये कोर्ट को हेल्प करती हैं कि वो अपनी पावर ऑफ यूज कर सके जुडिशियल रिव्यू के लिए. तो यहाँ पे अगर उनके लिए अनवैलिडेट और वैलिड होते हैं तो इनको इनवैलिड घोषित करते हैं, उनको जुडिशियल रिव्यू की पावर देते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कोर्ट्स की ये वैलिडिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है किसी कानून की या नहीं है. ये फॉर्म करते हैं डेमोनेटिंग डोमिनेटिंग बैकग्राउंड टू ऑल स्टेट एक्शन एंड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सो टू गाउड द कोड इन सम परस्पेक्टिव. ठीक है, कि अगर कहीं के कहीं पर भी सरकार जो है अपनी मनमर्जी से तानाशाही रूल चला रही है, अपना एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रही है, लेजिस्लेटिव एक्शन ले रही है, तो कोर्ट इस रिस्पेक्ट में कुछ कर सकती है कि उनके द्वारा पास किए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकती है. ये एम्पलीफाई करती है प्रीएम्बल को भी, प्रीएम्बल के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो उनके लिए ये आर्टिकल्स बना दिए गए हैं और लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी देगी. ये डायरेक्टिव्स जो करते हैं कुछ फॉलोइंग रोल्स भी प्ले करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं, ये सहायता करते हैं स्टेबिलिटी के अंदर ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज की, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर्स के भी. ठीक है, ये कुछ सप्लीमेंट्री होते हैं फंडामेंटल, जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर बातें नहीं की गई हैं उनके अंदर, इनके अंदर वो कर दी गई है, मतलब जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था पार्ट थ्री के अंदर कि हाँ यहाँ पे भाई सोशल और इकोनॉमिक लिबर्टी के लिए कुछ भी नहीं बातें की गई, तो वो सारी बातें जो कुछ बातें उसमें बच गई थी वो बातें यहाँ पे डीपीएसपी में डाल दी गई हैं. इनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाती है तो ये एक फेवरेबल एटमोसफियर बनाती है कि लोगों को प्रॉपर इन्जॉयमेंट होगी अपने फंडामेंटल राइट्स की, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है जब तक कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है. दे इनेबल अपोजिशन, ये अपोजिशन को भी इनेबल करते हैं, उनकी भी सहायता करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अगर सरकार कुछ मनमर्जी से कार्य कर सकती कर रही है, तो यहाँ पे अपोजिशन उनके ऊपर यहाँ पे दबाव बना सकते हैं कि भैया आप डीपीएसपी के अगेंस्ट जा रहे हैं. ये टेस्ट होता है परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट का, मतलब 5 साल में सरकार ने क्या काम किया, ये टेस्ट है कि इनके यहाँ पे कितने उन्होंने कानून लागू करवाए. तो ये टेस्ट होता है, सरकार बाद में बोल बता सकती है भी हमने पिछले साल इन इन यहाँ पे कानून बनाए तो आप हमें वोट दीजिए, हम आगे आपकी वेलफेयर के लिए और कार्य करेंगे. तो इसी से एग्जामिन होती है उनकी पॉलिसीज, प्रोग्राम को. ये कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है, जैसे सबसे कॉमन कि एक रूलिंग पार्टी को अपनी यहाँ पे इन प्रिंसिपल के बेस पे, ये एक फिलोसोफर भी होते हैं, फ्रेंड भी होते हैं इन इट्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. मतलब कोई भी सरकार जब सत्ता के, कोई भी पार्टी जब सत्ता के अंदर आती है तो वो डीपीएसपी की फिलॉसफी पे उसको कार्य करना होगा, उसके बयान पे कानून लाने होंगे, उसके बयान पे पॉलिसीज़ बनानी होगी और अपने कोई भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव करते कानून बनाना और उनको पारित करवाना. तो ये जो सारे कार्य होंगे अगर इन्हीं के बयान में करते तो इज़ अ ग्रेट फ्रेंड फॉर अ पार्टी. और इसी बेस पे ही उसकी जो होती है कि वो उसका एक टेस्ट होता है कि वो कितनी खरी उतरी है सरकार. कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, अब इन दोनों के बीच में क्या है, क्या कन्फ्लिक्ट है कि फंडामेंटल राइट तो जस्टिसेबल होते हैं, ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, ये एक सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं. दूसरे साइड पर यहाँ पर बात की गई कि इन दोनों के बीच में जब से कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, तब चंपारण जो चंपाकम दोराई राजन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के में कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ फंडामेंटल में कि कौन ज़्यादा महान है या कौन किससे ऊपर है या किसको यहाँ पे हम इनवैलिडेट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे डीपीएसपी के अंदर यहाँ पे बात की गई कि डीपीएसपी जो है यहाँ पे मस्ट कन्फर्म टू रन अ सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट सबसे सुप्रीम होगा और उससे नीचे आता है डीपीएसपी, वो उसके सब्सिडरी होगा. बट इट ऑल्सो हैड कि फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको अमेंडमेंट करना है,
वो आप पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। एज ए रिजल्ट पार्लियामेंट ने बोल दिया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, फोर्थ अमेंडमेंट 1955, सेवन्थ अमेंडमेंट 1964 टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द DPSP। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जब प्रिवेल किया गया था फंडामेंटल राइट को, पर यहाँ पे सरकार ने कुछ ऐसे कानून ला के, कुछ अमेंडमेंट करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा दिया DPSP को, कुछ मतलब यहाँ पे DPSP को सुप्रीम कर दिया, और यहाँ पे कुछ फंडामेंटल का राइट हनन भी हो रहा था तो भी उन्होंने यहाँ पे DPSP को प्रिवेल करके DPSP की इम्प्लीमेंटेशन करवाई। अबव सिचुएशन को देखते हुए 1965 में गोलकनाथ केस के अंदर बोला गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक। सो उसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक केस आया, गोलकनाथ केस इन 1967। उसके अंदर सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि सब जो पार्लियामेंट है वो किसी भी हद से फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती अगर उसको DPSP लागू करवाने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। अब सरकार ने उसके अगेंस्ट रिएक्शन करी और अपने दो जो यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट थे वो पास करवा दिए। एक तो था 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 और 25th अमेंडमेंट एक्ट, दोनों 24th 25th। अब 24th में बात की गई थी कि पार्लियामेंट के पावर पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा के उनको ले सकती है या टेक अवे कर सकती है, कोई भी फंडामेंटल राइट को हटा सकती है। और 25th के अंदर ये बोला गया था कि 25th के बयान पे सरकार ने एक आर्टिकल 31C डाला जिसमें दो प्रावधान थे। पहले प्रावधान में ये लिखा गया था कि वो इम्प्लीमेंट करवा सकती है सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो 39B और 39C के अंदर लिखे गए हैं, और अगर उनको देखते हुए भी अगर किसी फंडामेंटल राइट जो 14 और 19 में दिए हुए हैं उनका अगर हनन भी होता है तो भी उनके ऊपर कानून बनाया जाएगा और उनको कोई भी नल एंड वॉइड से, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड घोषित नहीं करेगा। 39B और सी के अंदर क्या कहा गया, 39B के अंदर तो बात करी गई है जो हमारे मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की या उसके ऊपर कानून बनाने की। जैसे एग्जांपल ले कोयला ब्लॉक का आवंटन, तो ये मटेरियल रिसोर्सेज है, इनका आवंटन कैसे किया जाएगा, कैसा मतलब कि किसको दिया जाएगा, कैसे उसके क्या ऊपर उसके ऊपर बिड लगेगी या किसको फर्स्ट कम द फर्स्ट टेक द फर्स्ट वो होगा या कैसे होगा, ये सब चीज़ें वो जनता के हित में होनी चाहिए, इसके लिए कानून बनाएगी सरकार। एग्जाम्पल इसके साथ कुछ और भी हो सकते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज कुछ और भी हो सकते हैं। 39C के अंदर बात की गई है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की और मींस ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब कि किसी एक आदमी के हाथ में या कुछ लोगों के पास में पूरा वेल्थ ना हो, सभी को बराबर अधिकार हो, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ गरीबी में जा रहे हैं, कुछ के पास वेल्थ है, कुछ मींस ऑफ प्रोडक्शन उनके यहाँ पे हो रही है, उनकी मोनोपोली हो रही है, ऐसा नहीं। इसी के बाद में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो जो मिला लिए गए थे उनका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया गया या नेशनलाइजेशन किया जाना, किसी को अपने सरकार के अंदर जमीन जब्त करवा लेना, वो प्रोडक्शन लेने लेना, तो ये सब कुछ जो मामले थे ये 39B और सी के अंदर आते हैं। अगर इनके लिए कोई भी कानून बनाना है तो वो अगर आर्टिकल 14 और 19, अब 19 का तो हनन हो गया भी, उसके पास अपनी राइट है कि 14 और 19 की भाई सभी के लिए बराबर होना चाहिए, तो फिर आप ये कानून लेके आ रहे हो, अगर मुझे भी अपना प्राइवेट कंपनी चलाने को दिया जाना चाहिए, मैंने अपनी खड़ी करी है, तो आपको कैसे आप यहाँ पे इसके जो जो शेयर्स हैं वो ले सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे मींस ऑफ प्रोडक्शन की बात हुई है, दो चीज़ें लिखी हुई हैं, मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो इसके ऊपर जो दोनों पे कानून है, इसमें 14 का अगर आपका हनन हो रहा है या 19 का हो रहा है उसको नहीं देखा जाएगा, उसको देखा जाएगा कि 13B और 13C को लागू करवाना है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि इनके, और वो जनता के वेलफेयर के लिए ही हो रहे हैं। नो लॉ जो डिक्लेयर करते फॉर गिन इफेक्ट टू सच, मतलब इन्होंने ये बोला है कि कोई भी हम पॉलिसी लेके आए हैं, जैसे कि कोई नेशनल हेल्थ पॉलिसी या नेशनल हेल्थ मिशन या पॉलिसी की बात करिए कि नहीं हम पॉलिसी को हेल्थ पॉलिसी लेके आए हैं या एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आए हैं, तो इनको अगर लागू कराने के लिए, इन पॉलिसी को लागू कराने के लिए कोई कानून लेके आते हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये तो इसको कि आप ये नहीं पूछ सकते, ये क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि आपका ये कानून कहाँ से पॉलिसी को जस्टिफाई करता है, कि कहाँ से ये पॉलिसी के अंदर हेल्प कर रहा है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि ये पॉलिसी के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, ये सरकार कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगी। नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है,
पहला कि ये नेगेटिव होते हैं कि मतलब ये कुछ कार्य करने को रोकते हैं सरकार को, कि ये सरकार ये नहीं कर सकती, सरकार ये नहीं कर सकती। एग्जाम्पल कि मतलब कि सरकार को डायरेक्शंस दिए जाते हैं रिट्स के अंडर, कि आप ये अगर आप कार्य नहीं ढंग से कर रहे हैं तो उनके ऊपर रिट्स जाहिर की जाती हैं, और यहाँ पे कुछ प्रोहिबिशन होती हैं कि सरकार पे। यहाँ पे सरकार के पास, यहाँ पे उनको पॉजिटिव है कि सरकार को कुछ कार्य करने हैं, ठीक है, कि आपको ये करना होगा वेलफेयर के लिए, ये करना होगा। ये जस्टिसेबल है, ये नॉन जस्टिसेबल होता है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं, ये मैं सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देते हैं। यहाँ पे कुछ लीगल सेंक्शन लगाए जा सकते हैं, यहाँ पे ये मॉरल और पॉलिटिकल सेंक्शन होते हैं, कोई लीगल सेंक्शन नहीं होता। ये वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल के लिए होते हैं, मतलब पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। ये वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी के लिए होते हैं, मतलब ये सोसाइटेरियन या सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे होते हैं। यहाँ पे कोई आपको डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन, इनके लिए कोई भी कानून या नया लॉ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके लिए कोई पॉलिसी के ऊपर अपन कानून ही बनाते हैं तो ये लागू होते हैं। यहाँ पे कोर्ट बाउंड कर सकती है कि दे वॉयलेटिव, अगर मतलब कि कोर्ट आर बाउंड टू डिक्लेयर ए लॉ, कोई सी भी कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा हो। यहाँ पे कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर किसी भी कानून को नल एंड वॉइड घोषित करे अगर कोई किसी DPSP का यहाँ पे हनन हो रहा हो। हाउ एवर ये दे एंड होल्ड द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू अ डायरेक्टिव, ठीक है, बस उनको मानना पड़ता है कि ये जो कानून बनाया गया वो डायरेक्टिव्स को ही इफेक्ट में लाने के लिए किया गया था। फिर आता है केशवानंद भारती केस, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था 1973 के अंदर, जिसमें जो एक सेकंड प्रोविजन जो था 31C का, कि भाई किसी भी पॉलिसी को लाने के लिए कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो आप नहीं क्वेश्चन पूछ सकते कि आपने पॉलिसी को कहाँ तक इफेक्ट किया, इसको यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड मान दिया कि ये गलत है, कि यहाँ पे आप जुडिशियल रिव्यू की पावर ही हमारी छीन रही है, बिल्कुल गलत है, तो ये आप नहीं ले सकते क्योंकि ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जुडिशियल रिव्यू का। पहला प्रोविजन जो 31C, उसको भी उन्होंने बोला कि ये वैलिड है, कि ठीक है कि आपका 31C का 39B और C को देखते हुए अगर आप कानून बना रहे हैं तो ठीक है, हम उसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भी वेलफेयर ऑफ लोगों के लिए ही है। नेक्स्ट आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास किया जाता है, और यहाँ पे जो स्कोप थी 31C की वो बढ़ा दी, उन्होंने बोला कि अब 39B और C के लिए नहीं, हम किसी भी DPSP के लिए कोई भी कानून बनाएं तो वो ये नहीं बोलेगा कि फंडामेंटल राइट का होना न होना। तो यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं जी, ये आपकी बात गलत है, इसको हम नल एंड वॉइड घोषित करते हैं, ये आपका इनवैलिड है। और यहाँ पे इन अदर वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट में DPSP को फंडामेंटल राइट के ऊपर पावर दे दी थी 40, 19 और 31 पे। फिर इसकी जो एक्सटेंशन थी यहाँ पे 40, 19 और 31 भी साथ में, अब इसकी जो एक्सटेंशन थी सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट माना। मिनर्वा वेल केस फॉर 1980 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को यहाँ पे अगेन सबॉर्डिनेट माना गया फंडामेंटल राइट के, भी फंडामेंटल राइट पहले आते हैं बाद में DPSP आते हैं, पर फंडामेंटल राइट जो कन्फर्म है 14 और 19 के अंदर उनको माना कि ये सबॉर्डिनेट है DPSP के अंदर। जैसे कि हमने बोला था कि 14 और 19 तो छीने जा सकते हैं जब 39B और C लागू होंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे बात कही गई मिनरावल की, ठीक है हम ये मानते हैं कि फंडामेंटल राइट ऊपर हैं DPSP से, बट 39B और C के लिए अगर कोई कानून पास किया जाता है और वो अगर 14 और 19 का हनन करता है तो भी वो लागू होगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 13 आर्टिकल 31 को यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया था, और जो ये एक्सटेंशन थी वो खत्म होगी, वो यहाँ पे मतलब प्रॉपर्टी को लेके भी वो हनन हो सकता है, नहीं अब ये खत्म हो गया, अबॉलिश हो गया 42nd अमेंडमेंट। मिनर्वा मिल केस 1980 अंदर की कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बेडरॉक है भाई, इंडिया का जो संविधान है वो किसके ऊपर टिका है, कि बैलेंस बना होना चाहिए फंडामेंटल राइट और DPSP में, ये दोनों ही ज़रूरी हैं अगर हम एक सोशल रेवोल्यूशन चाहते हैं, यानी कि किसी एक का हनन कर रहे हैं दूसरे को आप ऊपर उठा रहे हैं, नहीं, इन दोनों का बैलेंस बना चाहिए, ये दोनों ही एक जो पहिए के ये दो मतलब ये जो कोई चैरट जो हमारा ये रथ चलता है उसके दोनों पहियों की तरह बराबर है, कि अगर वो बैलेंस नहीं चलेगा तो रथ का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा, एक के बिना एक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्राइमेसी दी गई टू वन ओवर द अदर, एब्सोल्यूट प्राइम दोनों ही प्राइम हैं और इनकी हार्मनी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, इनके अंदर हार्मनी और बैलेंस अगर बना रहेगा तो वही ज़रूरी है फॉर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो गोल सेट आउट किए गए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो अचीव किए जाएंगे विदाउट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आप लागू करो पर ऐसा नहीं कि उसके लिए फंडामेंटल राइट्स का फंडामेंटल राइट को ही छीन लो, नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करो फंडामेंटल राइट्स को बिना छीने।
अब प्रेजेंट पोजीशन, अब हालिया कंडीशन में क्या इनकी स्थिति है? हालिया कंडीशन में ये स्थिति है कि फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है डीपीएसपी से, वो ऊपर है डीपीएसपी से, बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाएगा, नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पार्लियामेंट ने बताया कि अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए डीपीएसपी, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो अब आगे पढ़ेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि इसको डैमेज और डिस्ट्रॉय, ये नहीं कि जुडिशियल रिव्यू की पावर ले रहे हैं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट आते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। अब इनके लिए डीपीएसपी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डिफरेंट कानून बनाए गए, ये सारे कानून यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से कानून बनाए। प्लानिंग कमीशन बनी 1950 के अंदर, जो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के बारे में पूरा प्लान वे में 5 साल में कैसे कैसे कार्य करेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे, कैसे डेवलपमेंट करवाएंगे, डिफरेंट 5 ईयर प्लान बनाए गए, जिसमें कोशिश की गई कि हम सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट देंगे, इनइक्वालिटी को कम करेंगे, स्टेटस को बढ़ाएंगे, अपॉर्चुनिटीज लोगों को ज़्यादा करेंगे, और उसी का नाम बदल के कर दिया गया नीति आयोग 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सभी स्टेट्स के अंदर लैंड रिफॉर्म लॉज पास किए गए ताकि जो एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ उसमें चेंजेस लाए गए, उनकी कंडीशन जो है रूरल मासेस की, मतलब बहुत सारे जो खेती और मजदूर थे जिनके पास अपने कोई ज़मीन थी उनकी ज़मीन जब्त कर दी गई थी, तो अब वहाँ पर लैंड रिफॉर्म पास किए गए। तो ये भी ये था कि उनके पास क्या होना चाहिए, सोशल स्टेटस उनका ऊपर होना चाहिए। इंटरमीडिएटरीज से जमींदार जागीरदार उनको ख़त्म कर दिया गया। टेनेंसी रिफॉर्म्स लॉज लाए गए, फेयर रेंट्स, सीलिंग और लैंड होल्डिंग लगा दी गई भी, इतने से ज़्यादा ज़मीन आप नहीं रख सकते। डिस्ट्रिक्ट, अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको बेच दी जाएगी। कोऑपरेटिव फार्मिंग, मतलब कोऑपरेटिव्स को भी बढ़ावा देने की बात की है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात गई। मिनिमम वेजेस एक्ट पास किया गया 1948 के अंदर, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लाया गया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लाया गया, ये कि यहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है ना, उसके लिए सारे काम हुए जो डीपीएसपी में बोला गया। बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिश एक्ट, माइज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो ये सारे कानून पास किए जा सकें ताकि लोगों के जो लो लेबर सेक्शन है उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो। 2006 के अंदर गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया चाइल्ड लेबर को। 2016 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, मतलब ट्रैफिकिंग इन चाइल्ड और जो चाइल्ड लेबर जो की बात हो रही थी उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया 1986 में। एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 में पास किया गया। मैटर्निटी बेनिफिट, जहाँ पे मैटर्निटी बेनिफिट की भी बात हुई थी, महिलाओं को मैटर्निटी बेनिफिट होने चाहिए, उसके लिए एक्ट है 1961 में। इक्वल रिमनरेशन एक्ट 1976 के अंदर, जिनमें वुमेन वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया। बहुत सारे मेजर्स लिए गए ताकि फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो कॉमन गुड के लिए यूज़ हों, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक बंदे के लिए यूज़ हो रही हो, सारे लोगों के लिए यूज़ होने चाहिए। नेशनलाइजेशन किया गया, यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो रही है, मतलब कि बैंक्स का ये नहीं कि पहले सभी की, जब हम देखते थे कि प्राइवेट जो बैंक होते थे उनमें सारा भाई वो जो वेल्दी रिच पर्सन को ही वो फ़ायदा पहुँचा रहे थे, आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं था, इसीलिए नेशनलाइजेशन किया गया LIC का। फिर 14 लीडिंग कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया। जनरल इंश्योरेंस बैंक का GIC का 1971 में किया गया, और जो प्रीवी पर्सेस थे उनको अबॉलिशन कर दिया गया 1971, मतलब जो एक टाइप की पगार जो थो जो यहाँ पे जो स्टेट्स के राजा महाराजाओं को दी जाती थी उनको ख़त्म कर दिया गया। अभी पैसा उनके भले के लिए नहीं है, हमने जनता के भले के लिए पैसा लगाना है, तो तुम्हें हम किस बात का भाड़ा दें, यहाँ पे किस बात का हम पैसा दें, उसको ख़त्म कर दिया गया। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर लाए, जिसमें नेशन वाइड फ्री लीगल एड की बात की गई, जिसमें से लोक अदालत लाई गई ताकि इक्वल जस्टिस मिल सके। लोक अदालत एक स्टैचुटरी फॉरम होती है जहाँ पे हम आपस में मतलब मिल बैठ के या एक दूसरे की सहमति से कार्य होते हैं, और ये इनको एक स्टेटस दिया गया कि सिविल कोर्ट की तरह होते हैं। यहाँ पे जो भी बात वहाँ पे वो सिविल कोर्ट का वर्डिक्ट दिया जाता है, जो भी वहाँ पे जज जो सुनाता है वो एनफोर्सेबल होता है और ये बाइंडिंग होता है उस पार्टी पे। ये नहीं कि अब यहाँ पे आप नहीं मान रहे हैं फिर आप आगे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, नहीं, यहाँ की बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड फाइनली कोई भी अपील नहीं ला सकते आप किसी भी कोर्ट में, अगर आपने लोक अदालत में अपना निर्णय ले लिया है वही निर्णय आप करेगा, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट नहीं जा सकते। खादी और विलेज बोर्ड बनाए गए ताकि जो गांधी जी ने बोला था कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड बनाए गए, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बनाई गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड बनाए गए, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, कोयर बोर्ड, ये सब कुछ बनाए गए ताकि डेवलपमेंट हो सके इन कॉटेज इंडस्ट्रीज की रूरल एरिया के अंदर। फिर बात आई कि कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉपरेटिव की, तो वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आया गया, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए गए, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम ये लेके आए गए, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार मिले सभी को,
संपूर्णा ग्रामीण योजना, तो यहाँ पे था इसका मकसद यही था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। वाइल्ड लाइफ, उन्होंने बात की थी कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, वाटर एंड एयर एक्ट्स आए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए ताकि पोल्यूशन का मात्रा कम की जाए, और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वर्क्स किए जाए, इम्प्रूवमेंट की जाए ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट की। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई और कोशिश की गई कि प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जाए हमारे फॉरेस्ट को। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज बनाने के लिए जैसे बात की गई थी कि इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इनपुट दिए जाए, उन्हें अच्छे सीड मुहैया कराए गए, अच्छे फर्टिलाइज़र दिए जाए, इरीगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, नहरें होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री होनी चाहिए मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन के ऊपर। थ्री टीयर पंचायती राज, जैसे पंचायती राज सिस्टम लाने की बात की गई थी, डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की थी, उसके लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास किया गया और पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। सीट्स रिजर्व्ड कर दी, अब SC ST की भी प्रोटेक्शन करनी है तो उनकी सीट्स रिजर्व्ड कर दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर। अनटचेबिलिटीज ऑफेंसेज एक्ट लाया गया, फिर उसका नाम बदल के प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कर दिया गया। एक लाया गया शेड्यूल राइट SC ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लाया गया ताकि प्रोटेक्ट हो सके SC ST, उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इनजस्टिस हो रही, उसको खत्म कर दिया जाए। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 लाया गया जिसमें बात की गई नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, और 89th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2003 में जिनमें हम दोनों के लिए, पहले तो सब दोनों के लिए एक ही थी, उसके में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया कि अब SC की अलग होगी नेशनल कमीशन फॉर SC और नेशनल कमीशन फॉर ST, पहले दोनों के लिए एक थी ताकि और ज़्यादा उनको ध्यान रखा गया, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। बहुत सारी नेशनल लेवल कमीशन्स बनाए गए ताकि लोगों का सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन का बढ़ावा दिया जा सके। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये 1993 के अंदर ही बने थे दोनों। वीमेन वाला जो बना था एक साल पहले बना था, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये काफ़ी बाद में बना 2007 के अंदर। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर लाया गया जिसमें जुडिशरी को अलग कर दिया गया एग्जीक्यूटिव से, जो बात हुई थी जिसमें पहले कलेक्टर और सब डिविजनल ऑफिसर के पास में जुडिशियल पावर होती थी कि वो कुछ निर्णय ले सकते थे, जुडिशियल निपटारे कर सकते थे, बट यहाँ पे जुडिशियल पावर को अलग कर दिया गया और वो पावर दे दी गई डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। एंशियंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात करी अंडर द आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश किया गया पूरे देश के अंदर, जिसके अंदर उनको स्पेशल प्रोग्राम के मतलब उसके बाद में स्पेशल प्रोग्राम भी चलाए गए कि मलेरिया को ख़त्म करना है, TB को ख़त्म करना है, एड्स को ख़त्म करना है, कैंसर को ख़त्म। अब TB पे हमारा फुल जोर चल रहा है कि TB को ख़त्म करना है हमने बहुत जल्दी जल्द, मलेरिया को ख़त्म करना है, लेप्रोसी को ख़त्म करना है, एड्स को, कैंसर को, इसके लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, फ्री पैसा दिया जाता है, फ्री इनको मेडिसिन दी जाती है, कम पैसे के ऊपर इनका ट्रीटमेंट फ्री होता है। कैसे कानून पास किए जाए जिनमें बोला गया कि स्लॉटर ऑफ काओ होना चाहिए, उसको खत्म बंद कर दिया जाना चाहिए, कोई भी स्लॉटर ऑफ काओ नहीं होगी, काउस की नहीं होगी, जो मतलब दुधारू पशु हैं उनको आप नहीं काट सकते, एंड बहुत सारी स्टेट है जिनमें ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। अब ये देखते हैं कि स्टेट वाइज आप देखेंगे कि ये पेंशन स्कीम है ना, इसमें पेंशन के अंदर पैसा जो दिया था, जो ज़्यादा मतलब डेवलप्ड स्टेट है, जैसे कई बार कईयों को महीना की जो होती है पेंशन, कई बार कई कई जगह पे 300 मिलती है, कई जगह पे 500 मिलती है, कई जगह पे 700 तक उनको पेंशन मिलती हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो उस स्टेट की, उसके बेस पे दी जाती है, बट ये दी जाती है सभी जगह पर। इंडिया के अंदर फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट, अब जो इंडिया की पॉलिसी थी कि हम किसी की तरफ अलाइंड, नाटो या इसकी तरफ हम अलाइंड, USSR की तरफ अलाइंड नहीं होंगे, तो इसलिए हमने नॉन अलाइनमेंट लेके गए और पंचशील का सिद्धांत लेके आए जिससे हमारी इंटरनेशनल पीस, मतलब किसी एक साइड पे होकर दूसरी साइड से हमारा, अगर किसी एक साइड पे हो जाते मतलब नाटो को ज्वाइन कर लेते तो USSR के दुश्मन बन जाते, USSR को ज्वाइन करते तो अमरीका के दुश्मन बन जाते। तो हमने सोचा हम किसी की तरफ इंक्लाइंड, हमें सभी के साथ भाईचारे या पीस या सिक्योरिटी के साथ रहना, हमें अपना देश का देखना है, ये नहीं कि किसी की तरफ मूव हो जाए हम। तो यहाँ पे जो DPSPs थे इनको DPSPs हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड फुली एंड इफेक्टिवली, ये इन सभी स्टेप्स के लेने के बावजूद भी अभी भी हम देखते हैं कि ये पूरी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए, इफेक्टिव इतने ज़्यादा नहीं है, अभी भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस हमारे यहाँ पे देखने को मिलती हैं, अभी भी बहुत सारे रीज़न है। अब इसके पीछे रीज़न भी बहुत सारे हो सकते हैं कि अभी तक हमारे पास इतने ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स, अब बात की जाए कि अगर हॉस्पिटल्स बना दिए जाएँ तो हॉस्पिटल्स में अगर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो किस चीज़ का फ़ायदा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। अभी तक अनफेवरेबल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को कहाँ तक हम सारे रिसोर्सेज मुहैया करा सकते हैं।
सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर भी काफ़ी स्ट्रेन बना रहता है हमेशा, सेंटर में कोई पावर दूसरी पार्टी की होती है, स्टेट में कोई दूसरी पार्टी, उन दोनों के आपस में अभी तक नहीं बन पाती, वो पैसा अगर डिवोल्यूशन होती है उतनी नहीं हो पाती, या फिर अदर रीजंस एंड सो ऑन. नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टिव्स आउटसाइड द पार्ट फोर, क्लेम्स ऑफ एस सी एस टी टू द सर्विसेज. यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं एस सी एस टी ग्रुप के, उनको कंसिडर किया जाता है कि वो कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मेकिंग द अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट. यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जाती है एस सी एंड एस टी की सर्विसेज के अंदर, ये दिया गया आर्टिकल 335 के अंदर पार्ट 16 के अंदर. जैसे कि वो होगी ना कि यहाँ पे एस सी एस टी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे भी एस सी एस टी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, पर ये डीपीएसपी में नहीं डाला गया, आर्टिकल 335 में डाल दिया गया. इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, मदर टंग में आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हर एक स्टेट ये कोशिश करेगा कि उनकी लोकल अथॉरिटीज़ हैं या फिर स्टेट के अंदर जो भी लोकल अथॉरिटी या स्टेट है कि एडिक्वेट फैसिलिटीज़ होने चाहिए मदर टंग में. प्राइमरी स्टेट है जो प्राइमरी लेवल की होते हैं ना, 6 साल तक की जो स्टडी करवाई जाती है, जो प्राइमरी लेवल की जो स्टडी है वो एक मदर टंग में आप दे सकते हैं कि ताकि बच्चा कम से कम समझने के लायक हो. उसके बाद में वो कोई भाषा सीखा, पहले जो मदर टंग में घर में जो भाषा बोली जा सकती है उसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उनमें आप एजुकेशन दे सकते हैं. ये लिखा गया 350A इन अ पार्ट 17. नेक्स्ट आती है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज. यहाँ पे यूनियन या स्टेट को ये ड्यूटी है सरकार की वो हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पे स्प्रेड कराए. तो यहाँ पे ये मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, ये हमारे कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया को शो करता है. तो ये है आर्टिकल 351 टू द पार्ट 17 के अंदर. ये जो DPSPs हैं अबव, जो DPSP दिए गए ये भी नॉन जस्टिशिएबल हैं, पर इनको इक्वल इम्पॉर्टेंस दी गई है, अटेंशन दिया जाता है जुडिशरी के द्वारा ऑन द ग्राउंड कि ये जो सारे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रीड टुगेदर. ओके, तो ये इसलिए यहाँ पे इसीलिए इन्हें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि जुडिशरी का मानना यह है कि जब भी कोई कानून पास किया जाए तो ये नहीं कि आप किसी एक पार्ट, मतलब DPSP के पार्ट, फंडामेंटल पार्ट को देख के कानून बनाए, आपको सभी चीज़ों को ध्यान में देख के सभी को रीड टुगेदर करना चाहिए, सभी को ध्यान में रखते कोई कानून पास करना चाहिए. अब ये आप पूरा यहाँ पे कंसाइज वे में सारा देख सकते हैं कि 36 में डेफिनेशन लिखी हुई है, 37 के अंदर ये कुछ जो एप्लीकेशन है प्रिंसिपल्स की यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेबल होगी प्रिंसिपल्स की. यहाँ पे स्टेट टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ अ स्टेट, स्टेट को सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो सोशल ऑर्डर को सिक्योर करे. सर्टेन प्रिंसिपल एंड द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कुछ जो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हैं जो फॉलो किए जाते हैं स्टेट के बारे वो यहाँ पे लिखे गए. 39 में इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड की बात की है, 40 में विलेज प्लान पंचायत की बात की गई है, 41 में राइट टू वर्क एंड एजुकेशन की बात की गई है, 42 के अंदर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क के लिए भी और मेटर्निटी लीव के लिए, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स की बात की, 43 के अंदर बात की गई है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में, 44 काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई, 45 के अंदर चाइल्डहुड केयर या एजुकेशन की बात की गई है बिलो 6 ईयर्स के लिए, 45, 46 में एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट एससी एसटी का एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अदर वीकर सेक्शन की बात की गई है, 47 में ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों का बढ़ाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए, इम्प्रूव करे पब्लिक हेल्थ को, ये बात की 47 में. एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात की है 48 में, 48 ए के अंदर बात की गई है कि एनवायरनमेंट को भी सेफगार्ड और फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लाइफ को भी सेफगार्ड, ये ऐड किया गया था, अमेंडमेंट था 48 ए. 49 में मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की नेशनल इंपॉर्टेंस की बात की गई है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स के, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी मॉन्यूमेंट्स उनको प्रोटेक्ट किया जाए. 50 में बात की गई है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और 51 में बात की गई है इंटरनेशनल पीस को हमने प्रमोट करना है, जो उनकी ट्रीटीज़ हैं उनको हमने यहाँ पे महत्वता देनी है. ये सब कुछ आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिविंग वेज को की डेफिनेशन क्या दी गई है. लिविंग वेज डिफरेंट होता है मिनिमम वेज से. लिविंग वेज में ये चीज़ें भी इंक्लूड होती है जो हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, मतलब कि हमारे पास घर भी होना चाहिए कि हम अपना, मतलब कि खाना, रहने का घर और क्लोथिंग, मतलब ये नहीं कि ये हम सिर्फ खा ही सके, हमें इतनी तनख्वाह दी जाए कि खा सके भाई, उसके साथ साथ रहना भी ज़रूरी है और कुछ पहनना भी ज़रूरी है. तो ये होती है लिविंग वेज. यहाँ पे आगे बात की गई है 39 और बी और 39C की. अब ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. 39B के अंदर बोला है कि स्टेट को डायरेक्ट कर सकती है अपनी पॉलिसीज़ को टुवार्ड सिक्योरिंग द ऑनरशिप, ऑनरशिप ले सकती है, कंट्रोल कर सकती है मटेरियल रिसोर्सेज का. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कोयले का, मटेरियल रिसोर्सेज को ओन भी कर सकती है, कंट्रोल भी कर सकती है,
ऑफ द कम्युनिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज, और उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जैसे ही लोगों का, मतलब सर्व सभी लोगों का जिसमें हितकारी हो। 39C के अंदर बात की गई है कि स्टेट डायरेक्ट कर सकती है अपनी पॉलिसीज को टुवर्ड सिक्योरिंग ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। ये नहीं है कि यहाँ पे कहीं पे कंसंट्रेशन हो जाए वेल्थ की और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी एक ही मोनोपोली हो गई, एक ही बंदा सारी कंपनी चला रहा है, ऐसा नहीं होना है। उसके लिए सरकार कुछ पॉलिसी और कानून के प्रावधान कर सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, छोटा सा चैप्टर है। स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, कमेंट इफ यू लाइक, थैंक यू, जय हिंद।